my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all over. Hello YouTube, this is Saj and welcome back to my channel Talk Moto Vlogs. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो. टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा. तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक के लिए नए शूज़ लेने. जी हाँ, तो नए टायर्स डलवाएंगे आज अपनी बाइक में, क्योंकि यार पुराने टायर्स मतलब 10,000 चला दिए और घिस चुके थे बुरी तरह से. तो मैंने कहा नए टायर्स डलवाएं. तो अभी मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे सबसे बेस्ट इस वक्त मार्केट में आपको पता ही है मिशलिन के रोड 6 पायलट रोड 6 टायर है. ये स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे हैं और इनका जो डिज़ाइन है बहुत ही औसम है. मतलब ये वेट ग्रिप, अगर सड़क पे बारिश हो रही हो तो इनकी ग्रिप बहुत ही बढ़िया है पहले वालों से. तो चलिए आपको लेके चलते हैं शोरूम पे, नए टायर्स डलवाएंगे. पर हाँ, रास्ते में हमें और भी मतलब व्यूज़ देखने को मिलेंगे. सबसे पहला हार्बर ब्रिज से मुझे निकलना है, तो वहाँ से सिटी का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल आता है. पर ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं है तो आपको सीधा इसमें शोरूम पे ही मैं लेके जाऊंगा. रास्ते में कहीं किसी बीच पे या कहीं मैं रुका नहीं. तो ये सामने टनल है जो कि ब्रिज पे एंटर करने से पहले ही आती है. इसके अंदर का व्यू भी बहुत ब्यूटीफुल आता है राइड करते टाइम. और अभी हम जो ये एंटर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं सीधा ब्रिज के ऊपर. राइट साइड पे सिटी है, ऑकलैंड सिटी. ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा अगर मैंने अपना कैमरा घुमाया, वो हो रही स्काई टावर भी थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ से. और लेफ्ट साइड पे पूरा बे है, मतलब सी. और ये हो गया फास्ट फॉरवर्ड. अब सीधा, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, सीधा हमको चलना है शोरूम. अब यहाँ क्या था, मेरे पास GPS तो था नहीं, तो मेरे को एग्ज़िट देखना था 420. पर फाइनली बिना GPS के भी मुझे मिल गया. ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं हार्ली डेविडसन का शोरूम है. यहाँ कुछ ग्रुप आया हुआ था, मतलब ये राइट पे निकलने ही वाले थे उस टाइम पे मैं पहुँचा था. मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था तो मैंने रुक के लगाया अपना GPS भी. भाई वो शॉप है कहाँ, और हुआ क्या, जहाँ से मैं निकला था शॉप राइट वहीं थी कॉर्नर पर. तो मैं फिर वापस गया. अभी आपको लेफ्ट साइड पे फिर से देखने को मिलेगा वो हार्ली डेविडसन वाला ग्रुप. हार्ली डेविडसन के शोरूम के सामने ये खड़े हैं सारे. ये राइड पे निकले थे, मैंने इनका वीडियो लिया है, आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा. तो ये थी शॉप साइकिल ट्रेड्स. तो सामने मैंने पहले बाइक लगाई, मुझे लगा यही है. मैं ऊपर गया तो पता लगा ये रिटेल का था, जो इनके प्रोडक्ट वगैरह ये बेचते हैं जो भी बाइक के रिलेटेड. यहाँ से मैं फिर गया उनसे पूछ के बैक साइड पे जो इनका सर्विस स्टेशन है. ये देखिए सामने निंजा, यहाँ कुछ बाइक्स खड़ी थी, जैसे ये होंडा की हॉर्नेट खड़ी है, MT-07 खड़ी है, उधर पता नहीं कौन सी खड़ी है. तो ये देखिए मेरे पुराने टायर बाइक के घिसे पड़े हैं, डनलॉप. और मैं बाहर वेट कर रहा था तो एक की बाइक रेडी, उसने नए टायर डलवाए. देखिए डुकाटी, इसका वॉइस बहुत ही लाउड था. और सामने खड़ी है हार्ले डेविडसन. अब मैं बैठा यहाँ वेट कर रहा हूँ और फिर मेरे को आवाज़ आई बहुत ज़ोर से बाइक्स की. तो मैं बाहर रोड पे गया, मैंने देखा कि यहाँ पे हार्ले का जो ग्रुप खड़ा था वो निकलने लग रहा है. तो मैंने उनकी वीडियो बना ली, तो आप सामने देख ही सकते हैं क्या डुग 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 आवाज़ आ रही है. तो फाइनली मेरे जो टायर्स थे मोटर बाइक के मिशलिन रोड 6 डल गए. तो इन्होंने मुझे कहा कुछ अभी इन पे वैक्स लगी हुई है, थोड़े चमक रहे हैं, तो आप पीछे ड्राइववे के राइट साइड जाके वहाँ पीछे थोड़ी सी पार्किंग है, वहाँ पे थोड़ा इन्हें घिस लो. एक दो राउंड मारे मैंने वहाँ पे, थोड़ा चलाया तो बाइक ऑसम लग रही थी न्यू टायर्स के साथ. और फिर यहाँ से मैं निकला अपना सीधा घर को. और ये आते टाइम ब्रिज से व्यू अच्छा आता है सिटी का, आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं. और ये ब्रिज से मैं वापस घर की ओर जा रहा हूँ. मज़ा आया आज बहुत, पर व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं था. और मिस्टर वी और मिस्टर अजय भी अवेलेबल नहीं थे, वो थोड़े बिजी थे. तो मैंने कहा चलो अपने पहले बाइक के टायर डलवाते हैं, फिर राइड प्लान करेंगे. सैटरडे संडे तो आना ही है, वीकेंड राइड तो होंगी ही. और समर भी आ रही है तो लॉट ऑफ फन.
तो ये आज का वीडियो था गाइस। अगर आपको अच्छा लगा और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपके लिए और बहुत सी वीडियोस आएंगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, बस टायर्स डलवाने का था और मैंने कहा एक छोटा वीडियो भी हो जाएगा। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला है और आप सभी की सपोर्ट जिन्होंने मुझे की है, मैं अराउंड 926 सब्सक्राइबर पे पहुंच चुका हूं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।